हेलो वेलकम बैक टू द वीडियो। तो बर्स के वाले माइनक्राफ्ट एंड माइनक्राफ्ट के पिछले वाले वीडियो में हमने बनाया था एक मस्त सा घर। भाई देखो भाई क्या ही दिख रहा है घर, भाई ऐसा घर भाई मैंने बनाया है। एंड उसके साइड में जस्ट एक कैंप फायर बना रखा है, जाके हम लोग यहाँ पे आके चिल कर सके भाई रात को। एंड मज़ा ही आ जाता है भाई सब करने में। अभी तुम लोग भी आना गाइज अपने वर्ल्ड में। तो गाइज देखो, इस वाली सीरीज के पहले वाले दिन में मैंने पूरा का पूरा आयरन का आर्मर बना लिया था, जो ये रहा। एंड इस वाली वीडियो में हम लोग को पूरा तरह से सारे के डायमंड के टूल्स बनाने हैं एंड डायमंड का आर्मर भी बनाना है। वैसे एक सेकंड, यहाँ पे कुछ मैंने घोटाला किया है क्या? मैंने घोटाला किया है गाइस यहाँ पे, ये देखो ना। तो ये देखो, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं पूरी तरह से डायमंड के टूल्स एंड एक शुगर केन फार्म। वो शुगर केन फार्म नहीं भाई, फूड फार्म, सॉरी, ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म, जिसके लिए मैंने बहुत सारा सामान। हेलो चिकन, लेट्स गो, सही कर दिया इसे आपने। एंड आज की इस वाली वीडियो में लोग बनाने वाले एक ऑटोमेटिक शुगर फार्म, जिस शुगर फार्म नहीं बनाने वाला भाई, क्रॉप फार्म बनाने वाले हैं। एंड उसके लिए मैंने कोई भी सामान जमा नहीं किया। एंड डायमंड के टूल्स, अगर मैंने स्ट्रीम देखी होगी तो मैंने स्ट्रीम में भाई पूरी तरह से नीचे गया हुआ था, वहाँ से डायमंड माइन भी किए थे, माइन में गया हुआ था गाइस। और अगर तुमने नहीं देखी तो भाई स्ट्रीम कर लेंगे, मैं तुम्हें कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तुम जाके देख सकते हो। एंड आज भी हम लोग चलने वाले हैं भाई, मेरे पास बस तीन डायमंड पड़े हैं। देखो मैं माइन करके लाया था, तीन डायमंड पड़े हैं मेरे पास, इससे तो मेरे पास कुछ नहीं पड़ा। एंड हाँ, अपना जो क्रॉप फार्म बनाने के लिए मैंने इतना सारा एरिया क्लियर किया है भाई, इसको डर्ट से फिल करना है तो उसमें बहुत सारा टाइम जाने वाला है। एंड एक और बेसिक सा फार्म बनाना पड़ेगा इस हमें, वो है नहीं भाई, और कोई ऐसा फार्म नहीं है जिसे हमें बनाना पड़े अभी के लिए, बाद में बना सकते हैं बट अभी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। एंड अभी इन सबको यहाँ पे भर देते लगे हाथ, भाई पूरा इन्वेंट्री भर चुका है। एंड ये सब बाद में किसी नए फार्म बनाने में यूज़ आ जाएंगे, ऑब्वियसली बहुत सारा यूज़ आ जाएगा भाई, लिटरली भाई मैंने सोचा नहीं था भाई। एंड अभी मेरे पास 14 आयरन पड़े हुए वैसे भाई, यहाँ पे ये सब रख देते हैं। एंड ये आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया, ये अपने यहाँ पे रख लेते हैं। डीप स्लेट्स तुम देख ही सकते हो भाई, इसीलिए डीप स्लेट्स है मेरे पास। एंड बूम बूम, तो मैं ये वाली स्वॉर्ड भी यहीं पे लगा रख देता हूँ, ये वाली एक्स भी रख देता हूँ, और दो पिकेक्स है तो भाई रहन दो पिकेक्स, मस्त हो गया भाई। और आज इन सबको हम लोग को डायमंड में अपग्रेड करना है, सो बी केयरफुल एंड वॉच द वीडियो गाइस पूरी तरह से, वरना बोलोगे भाई आधा कट कर दिया। लेट्स गो गाइस, आज हम लोग चलने वाले फिर से माइन में। एंड जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चलते हैं माइन की ओर। एंड उससे पहले हम लोग अपना बेड ले लेते हैं लगे हाथ, फूड भी फुल है, पहले हम लोग थोड़ा सा बेड ले लेते हैं, वाटर की बकेट ले लेते हैं, जो हम लोग को ये ऑफ एंड में चाहिए ही चाहिए गाइस, बेड रात में सोने के लिए। एंड एक और बार क्राफ्टिंग टेबल जो बाहर ही पड़ी हुई है वैसे उठा लिया, थोड़ी सी स्टीम्स दे दो गाइस, कोल ले लेते हैं, वहीं पे मिल के स्मेल्ट कर लेंगे, वैसे आना ना पड़े ज़्यादा, और तो सब भरा पड़ा है गाइस, इससे तो कुछ ज़रूरत नहीं है हमें, चलते हैं। और जो काम है गाइस वो सब माइंड में करेंगे, जल्दी से चलते हैं। वो रहा ऊपर, अपना दिख ही रहा होगा भाई तुम्हें, बिल्कुल एकदम ऊपर चलते हैं। एंड अगर तुमने स्ट्रीम देखी होगी तो तुम्हें कोई बोर होने की ज़रूरत नहीं है गाइस, टेंशन ना लो। पहले हम लोग को बनाना है भाई क्रॉप फार्म, जिसके लिए सीड्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड थोड़ी सी रेड स्टोन की भी ज़रूरत है, जो मैंने माइन करके कहाँ रख दिया मुझे याद नहीं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा रेड स्टोन भी लेके आएंगे। चेस्ट तो मैंने ढूंढ रखी है गाइस, वीडियो बनाने से पहले मैं चेस्ट भी ढूंढ रहा था कि काश मुझे मेरा 24 मुझे याद है 24 रेड स्टोन था, 24 या 27 रेड स्टोन था, मुझे अभी तक नहीं मिल रहा। एंड क्या रात होने वाली है क्या, अभी गलत टाइम पे आ गया मैं, गलत टाइम सही टाइम कुछ नहीं होता भाई, माइन करना है माइन करेंगे, वहीं पे सो जाएंगे, वहीं पे रह जाएंगे, क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एंड वो डैमेज क्रूशियल बोन डैमेज, लेट्स गो, नीचे चलते हैं। नहीं नहीं यहाँ पे नहीं भाई, यहाँ पे नहीं है, आगे सामने, सामने से लेफ्ट, हम लोग थोड़ा गलत आ जाते हैं, इससे गलत आना नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट होता है। एंड हाँ शाम हो रखी है, बस छोड़ो, जाना तो हमको फिर भी नीचे ही है गाइस। तो यहाँ पे पहले
टॉर्च लगा दो भाई, क्या ज़ॉम्बी स्पॉन करवाना है यहाँ पे। ए वो अभी मैं यहाँ पे भी एक टॉर्च लगाऊंगा जिससे भाई रात होती है वो पता तो चल जाए भाई। एटलीस्ट बेड ले आते हो, लगे यहीं पे लगा देंगे, तो बेड तो मेरा यहीं पे पड़ा है। ओके वो तो गाइस फाइनल नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, बेड तोड़ लेते हैं अपना, चलते हैं सीधे नीचे की ओर। एंड यहाँ से तो भाई मैंने इतनी ज़्यादा एरिया मार रखी भाई, यहाँ पे कोल वोल होता था। एंड अभी तुम देख सकते हो डीप स्लेट्स भी पड़े हुए हैं, तो भाई हम लोग बस इन्हें ही माइन करते हुए नीचे चलना है, ज़्यादा नीचे नहीं जाना, माइन करते करते नहीं जाना, बस जंप करते करते सही से जाना है और कुछ नहीं। बूम हम लोग पहुँच जाएंगे, पहुँच गए, जाएंगे क्या। ओके सॉरी इस तरफ से रास्ता था क्या, रास्ता कहाँ से था मेरा, ये भी इतना अंधेरा क्यों है भाई, मुझे एक से समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। अभी तो खुला खुला सा एरिया था एकदम, मैं जब माइनिंग करने आया था पिछली बार। ठीक है फिर हम लोग यहाँ पे लगे आते तो लाइट लगा देते हैं थोड़ा सा और अच्छे से, लाइट लगा देते हैं कहीं पे ज़ॉम्बी स्पॉन ना हम जाएं, वरना हमारे लिए टेंशन। लेट्स गो, अभी यहाँ पे बहुत सारा पानी है गाइस, तो पहले तुम देख लो, पहले से मैं बोल रहा हूँ तुम्हें बहुत सारा पानी है यहाँ पे। एंड तुम लोग को आवाज़ सुनाई भी दे रही होगी वैसे पानी की, अगर पानी की कहानी गाइस यहीं पे लिखी गई थी। एंड अभी यहाँ से हल्का सा एक छोड़ो गाइस, ये हो गया वही वाला एरिया जहाँ से मेरे को सबसे ज़्यादा आयरन मिले थे। एंड यहाँ से मैंने डीप स्लेट्स की एक लेयर सी बनाई थी ऊपर जाने के लिए। एंड उसके बाद हम लोग नीचे जाने के लिए ये वाले एरिया का यूज़ करते हैं, ऐसे जो इस तरफ से होती हुई नीचे चलती है कुछ इस तरह गाइस, जस्ट लाइक दिस। एंड यहाँ पे तुम लोग आयरन दिख रहा है ना भाई, तुम लोग रहो भाई भाई के पास इतना आयरन कब से हो गया कि उसने आयरन माइन ही नहीं किया, तो गाइस तुम्हें गलत लग रहा है। गाइस तुमको क्या बताऊँ, साला इधर पानी इतना भरा पड़ा है कि करा ही क्या जा सकता, कुछ नहीं करा जा सकता है यहाँ पे, पानी बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है। मैं नहीं चाहता भाई कहीं बीच में फंस जाऊँ, तो मैं अपना जो बेड है हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, एंड ये वाला ऊपर का जो एरिया है इसे थोड़ा फोड़ी थोड़ी सी कर देते हैं गाइस, अपन चलेंगे अंदर। मेरे पास पहले से अच्छा नहीं, नहीं सही से ये पड़ा है भाई, चलते हैं नीचे। एंड मैंने रिस्पॉन पॉइंट तो सेट कर लिया ही होगा अपना, हजार बार जाना पड़ता है भाई। ओके 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 ओमके ओमके गाइस, स्पॉन पॉइंट सेट, ताकि भाई कुछ हो जाए अंदर तो अच्छा होगा, यहीं पे स्पॉन हो जाएंगे। एंड लेट्स गो, इतना सारा आयरन तो गाइस मेरे पास सच में नहीं है जितना तुम लोगों को लग रहा है कि भाई आए भाई के पास आयरन पड़ा है। भाई 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 आयरन में अंधा हो चुका हूँ, वैसा कुछ नहीं है गाइस, लिटरली वैसा कुछ नहीं है भाई। भाई इधर इतना सारा पानी है, अगर मैं ये वाली वॉल खोद दूँ ना भाई यहाँ से पानी ही आ जाएगा, क्योंकि हम लोग एकदम पानी के साइड में या फिर पानी के केव के अंदर चल रहे हैं एक तरह से। एंड हम लोग को अभी यहाँ से नीचे चलना है, यहाँ पे मैंने खोद रखा था, यहाँ से पानी आया एंड मैं नीचे धम करके गिरा। अच्छी बात है वहाँ पे कोई ज़ॉम्बी नहीं था, मतलब इतना अंधेरा था फिर भी ज़ॉम्बी होने चाहिए बट नहीं थे, तो मैं बच गया गाइस। बट अगर ज़ॉम्बी होते तो तुम्हारा भाई अभी वीडियो नहीं बना रहा होता, बैठ के रो रहा होता गाइस। एक सेकेंड, मैंने कुछ गलती कर दी क्या, नहीं चढ़ सकते हैं इससे ऊपर, पर उससे पहले हम लोग थोड़े से टॉर्चेस बना लेते हैं क्योंकि नीचे और भी अंधेरा है भाई। बहुत सारे टॉर्चेस लगाई है मैंने स्ट्रीम में, फिर भी तुम लोगों को शायद पता ना चले अंधेरा होगा। एंड अब तो भाई पूरी की हम लोग को टूल्स ही बनाने हैं, और मुझे रेडस्टोन दिख गया है थोड़ा सा, ऐसे जंप कर लेते हैं, लेट्स गो। ये तो भाई दिख गया है, तुम्हें नहीं दिखा तो देख लो, सारा स्पाइडर घूम रहा है यहाँ पे भाई, इनकी आंखें इतनी लाल लाल होती है ना भाई, डर लगता है भाई एक एक बार। ओ डायमंड गाइस, फिर से हम लोग डायमंड देखने को मिल गया है, इसको पेल देते हैं यहाँ पे, डायमंड दिख गया, डायमंड पहले डायमंड माइन कर लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी गाइस। एंड एक भाई एक्स्ट्रा था ना था भाई, कहाँ एक एक दो से हम लोग का काम नहीं होता भाई, पहली बात तो एक दो से हम लोग का सच में काम नहीं होता, कहाँ भाई एक दो से क्या करूँगा मैं। आयरन भी यहाँ पे बहुत सारा है, एंड यहाँ से पानी नहीं आता भाई, तो पहले हम लोग थोड़ा सा
पानी वानी यहाँ से, क्या आवाज आई भाई। लेट्स गो गाइस, चिल मूड में हम लोग से माइनिंग करने हैं एंड इसके नीचे बस ना निकल जाए। मैं नहीं जाता भाई और नीचे जाऊँ, हो गया बस भाई। क्रीपर है बे, चुप बेल के आता हूँ। भैंस की आग गाइस, मैंने सच बताऊं भाई जानबूझ के सब किया था। बच गए भाई, बच गए भाई, छोड़ो ऐसे ऐसे ज़्यादा पंगे नहीं लेने, वरना यहाँ पे कोई और भी घूम रहा है गाइस। यहाँ पे गोल्ड भी अच्छा खासा है, ट्रेल बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो उठा देते लगे हाथ, उठा ली। अरे भैंस चुप, नो नो नहीं आ जा। मर गया भैंस की आँख, ये लग रहा है भाई तो तुम्हारे भाई के साथ लगेगा भाई। आ जा भाई, कभी आना भाई अखाड़े पे, मंगले पे मत आना, अखाड़े पे आना। वाओ बहुत सारा मिल रहा है भाई, पहले इतना सारा नहीं मिलता था शायद एक माइन करने से। रेडस्टोन कुछ ज़्यादा ही सस्ता हो गया ऐसा लग रहा है भाई। अभी तो पार्टी शुरू हुई है गाइज, लेट्स गो। स्केलेटन की आवाज़ आई मुझे, स्केली भाव आर यू हियर, इफ यू आर हियर गो टू एनी वेयर बट डोंट कम हियर। ओके लेट्स गो। मुझे कोई अच्छी सी कैब नहीं दिखी भाई, इसीलिए मैंने स्ट्रीम भी बंद कर दी थी, क्योंकि तुम लोग को भी कहीं पर जाना होता है, किसी और स्ट्रीमर के स्ट्रीम में जाना होता है, तो मैंने स्ट्रीम बंद कर दी थी। एंड यस गाइस, यहाँ पे है आयरन भाई। आयरन के पीछे इतना पागल क्यों हूँ भाई मैं? अब गाइस सच बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आयरन फार्म बनाएंगे भाई। एंड अगर मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ और ले आऊँ तो गाली मत देना, थोड़ी सी वीडियो प्रिपेयरिंग में है। अंधेरा बहुत ज़्यादा है भाई, सच बता रहा हूँ, अंधेरा इतना ज़्यादा कौन रखता है भाई। लाइट में रहना सीखो यार, ये सारे ब्लॉक्स भी काले पड़ गए अंधेरे में। मुझे तो भाई ये रीज़न लगता है, वैसे मैंने इसलिए बोल दिया। सामने के में कोई डायमंड वायमंड है क्या भाई? आई नीड अ डायमंड गाइस, मेरे पास कितने डायमंड हो गए? एक ही डायमंड है मेरे पास, 10 आयरन भाई। मेरे को आयरन के टूल्स बोलने चाहिए थे भाई, लिटरली तब से डायमंड डायमंड बोल रहा, बट मुझे एक भी डायमंड नहीं मिला। ठीक है, आयरन आयरन बोलते हैं, देखते हैं कितने हम लोग को डायमंड मिलते हैं। एंड लेट्स गो, यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं कहीं पे, यहीं पे ऐसे कोने वोने में होता है ना भाई डायमंड, तो वो भी नहीं मिलता वैसे। अभी कहाँ है और डायमंड 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 नहीं, आयरन 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 डायमंड गाइज। वाओ ओके, कितने हो गए भाई टोटल हम लोग को? सोवेल वोवेल सब मिला के भाई हम लोग कितने मिलते हैं वैसे? एक एंड दो भाई, यार तीन तीन छः हो गए। अभी हम लोग को और डायमंड चाहिए। नीचे चले क्या माइन पे? एकदम नीचे बस ये वाला एरिया बंद बंद ना हो जाए, क्योंकि एक तो तुम दिख रहे होगा भाई, दिख ही रहा होगा भाई। भैंस जो ठीक, वो यहाँ पे लावा है भाई, ऑब्सिडियन बना सकते हैं भाई हम लोग, निधर जाएंगे। वो तो वो वाला वो नहीं, कुछ अलग वाला वो गाइस। और ऊपर जाने का रास्ता ये, अगर मुझे याद ना रहे, उसके लिए मैं यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच ऊपर चढ़ने का, एंड यहाँ पे एक टॉर्च लगा देते हैं जिससे हम लोग याद रहेगा, और तो हम कूद ही जाएंगे। वैसे डर लगता है क्या? ये कहाँ ऊपर ऊपर लेके जा रहा है हमें? ऊपर नहीं आना था हम लोग, नीचे नीचे जाना था, ताकि आयरन मतलब आयरन दिख जाए, डायमंड ना दिखे। डायमंड बोलते आयरन मिलता है भाई, काश आयरन बोले डायमंड मिल जाए तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारा लावा है, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली वैसे, कि हम लोग को ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एंड ख़त्म, जस्ट सेकंड गाइस, यहाँ पे हो सकता है बहुत सारा हो। ओके गाइस, मैं बोल रहा था माइन भाई ऐसी। ओके ऊपर भी एक और है वैसे, मुझे थोड़ी सी और टॉर्चेस की ज़रूरत है। यहाँ पे टॉर्चेस बन जाएंगी तो हम लोग भी इसे बना लेंगे, इनसे चार, बस चार की ज़रूरत है मतलब को, बस चार की ज़रूरत है। एक यहाँ पे लगाते हैं एंड अभी आराम से माइन करते हैं, बस कोई लावा वावा ना ऊपर से गिर जाए।
कंडीशन उसकी है, कितने हो गए भाई मेरे पास अभी टोटल हो गए 5, 5 + 3 = 6, 7, 8, 8 गाइस, 8 डायमंड है। 8 डायमंड्स अभी चाहिए कितने भाई, वैसे मुझे नहीं पता भाई टोटल कितने चाहिए गाइस, एक बार कमेंट्स में बता देना। आर्मर एंड टूल्स बनाने के लिए, एंड लगे मैं डीप स्लिट्स भी ले लेता हूँ क्योंकि अपने शुगर केन फार्म ऑटोमेटिक क्रॉप फार्म के लिए थोड़ी जरूरत है उसकी, एंड फार्म बनाऊंगा तभी तो हम लोग को कुछ फल मिलेगा भाई। अब आयरन मिल जाए बोल रहा हूँ तो गाइस हो सकता है डायमंड इसीलिए मिल रहा हो, एंड इसके ऊपर एक बार खोद के देख लूँ क्या कुछ मिल जाए तो हो सकता है, एक बार के लिए मिल जा, सेकंड टाइम नहीं खोदूंगा। ओ भाई क्या किस्मत है भाई, एक 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 नंबर भाई, एक नंबर, एकदम साइड में जब डायमंड पड़ा हो तब हम लोग इधर उधर खोदते ही क्यों है भाई, ऐसा डायमंड खोदा जाता है ना भाई, मैं ट्रिक गलत सीख के आया हूँ वैसे, कहीं आसपास ही पड़े होते हैं फिर हम लोग ढूंढते रहते हैं अलग अलग। मेरी पिकैक्स टूट जाए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे डायमंड मिल जाना चाहिए। ओके गाइस, ओके 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 ओके, अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा वैसे इतना ज़्यादा, बट होना चाहिए ये डायमंड का वादा नहीं है भाई, आप एक और लगा देते। शिट 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 आई एम शिट, क्या कर रहा हूँ भाई क्या कर रहा हूँ भाई, थोड़ा सा और आगे खोदते हैं अगर कहीं पे आगे डायमंड पड़ा हो गाइस, पता नहीं हो सकता है। एंड यहाँ पे इतना सारा खोदने के बाद भी मिल जा भाई, भाई जो भी हो हम लोगों को डीप स्लेट्स तो मिल गए, अब डीप स्लेट्स भी मिल गए हैं, डायमंड भी हमने ढूंढने की बहुत ज़्यादा ट्राई तो किया मिल नहीं रहा भाई, क्या ही कर सकते हैं उसमें, 5 ऐसे सामने सामने सूमने मिल गए तो हम लोग को बाद में कभी एक और बार माइनिंग करने आएंगे तो फिर से मिल जाएंगे क्या है, बट हम लोग को पहले तो भाई क्रॉप फार्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं थोड़ी सी ये उठा लेता हूँ एंड थोड़ी सी आयरन भी उठा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास हाँ है भाई बकेट बनाने का बॉटल है इतना, एंड अभी यहीं पे मुझे ऑब्सीडियन भी बनाना है तो थोड़ा सा बना लूँ क्या यहीं पे अभी, इसे हैर की आवाज़ आई गाइस, वो यहाँ से आ रही है भाई, अंदर है भाई कोई, अरे हट जा वो, अरे बच्चे कहाँ से आया भाई, ये बच्चा कहाँ से आया पहले, ये बच्चा कहाँ से आया बे, ऐस किया कि बच्चा कहाँ से आया भाई, उसका पापा भी आ गया यहाँ पे, आजा लड़ ले भाई, क्या हो गया भाई सबको, गेम ले हो गया क्या भाई, आजा भाई फाइट कर ले, तो लटक गया साला, अरे आजा पहले फाइट कर ले फिर मरियो भाई, क्यों भर गई भाई, वो भाई इसमें डायमंड था क्या मेरा, मतलब सॉरी आयरन था, देखो भाई दिमाग गाइस, भैंस की आंख हो गया भाई, छोड़ो अभी ऑब्सीडियन नहीं बनाते चलते हैं ऊपर, थोड़ा सा खतरा सा मुझे लग रहा है अभी यहाँ पे, मैं नहीं चाहता भाई अपना दिमाग तोड़ना यहाँ पे, तो बिल्कुल चलते हैं आराम से ऊपर, एंड मुझे चाहिए थोड़े से और आयरन जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था, तो पहले आयरन माइन कर लेते हैं एंड चलते हैं ऊपर, डायमंड नहीं दिखे गाइस, अब इनसे जितना मैं बना पाऊंगा मैं उतने तुम्हें बना के दिखा दूंगा, बट इन लास्ट एक सेकंड अभी हम लोग चाहेंगे क्रॉप फार्म बनाने के लिए, फुल ट्यूटोरियल गाइस तुम्हें मेरी ही वीडियो में मिल जाएगा, एक ही वीडियो में मिल जाएगा, बिल्कुल टेंस मत हो, एंड आज इसके एग्जाम्स खत्म हो गए एक बार बता दो, मैं उन्हें शाउट आउट दे दूंगा भाई अगली वीडियो में, प्लीज़ एक बार बता दो भाई किस किसके एग्जाम्स आज खत्म हुए भाई, मेरे तो आज ही खत्म हुए तो भाई मैं बोल सकता हूँ हाँ, और आज तो स्ट्रीम भी होने वाली है वैसे रात को, तो हाँ बी केयरफुल गाइस, याद रखो भाई तुम्हारे भाई की स्ट्रीम है आज,
यहाँ पे गोल्ड भी है, वैसे गोल्ड भी उठा लेते हैं, ट्रेल बनाने के काम आएगा जैसे मैंने बोला था। बहुत सारा है भाई, गोल्ड इज इंपॉर्टेंट क्या गाइस, एक सेकंड मुझे बताओ ना भाई कमेंट्स में, क्या गोल्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है वैसे। चलते हैं अब ऊपर आराम आराम से अपने घर की ओर, एंड सामने मुझे थोड़ा सा और रेडस्टोन दिख गया है वैसे, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा दिख गया है वैसे। एक माइन करने से बहुत सारा मिल रहा है, तो मज़ा ही आता है भाई सब माइन करने में, एंड एक्सपी भी मिल रही है भाई, ये अपडेट में आया था, आई हैव नॉट चेक्ड अप। एंड हाँ बस इतना ही था अपने पास, और कहाँ है भाई, और थोड़ा सा है क्या रेडस्टोन, कितना हो गया मेरे पास रेडस्टोन, ओनली 44 हो गए वैसे मैं, बस और थोड़ी सी की ज़रूरत है 64 होने के लिए, एक स्टैग हो जाएगा अपने पास, एंड इट इज़ बिकमिंग ईजी गाइस, इसके हम लोग को कितने अच्छे से रेडस्टोन मिल रहा है अभी। एंड यहाँ ऊपर यो ब्रो प्लीज, गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, एंड हम लोग आधे तो बाहर ही आ चुके हैं वैसे, तब से मैं चला रहा था भाई वीडियो, बट मैंने डाली नहीं क्योंकि भाई बाहर आने के बाद भाई क्यों तुम्हें बोर किया जाए, अब चलते हैं बाहर एंड मैं तुम सीधा मिलता हूँ बाहर। हाँ तो गाइस बहुत टाइम के बाद भाई हम लोग वहाँ से पहुँच चुके हैं बाहर, एंड अभी हम लोग यहीं पे बिल्कुल बनाने वाले हैं अपना वन एंड ओनली क्रॉप फार्म। मैं सोच रहा हूँ भाई इसको थोड़ा सा इस साइड पे बनाया जाए, क्योंकि बाद में जब वहाँ से एरिया एक्सपेंड होगा तब तो वही एरिया फिर भी सही रहेगा, तो हम लोग यहीं पे बना देते हैं अभी के लिए। अभी एक पागल कुत्ता घूम रहा है जो हर किसी को मार रहा है भाई, मुझे नहीं हर किसी को बोले तो, कोई कहाँ कहाँ जा रहे हो भाई पानी। वैसे हम लोग जो फूल फूल है ना भाई, इन सबको थोड़ा सा भी क्लियर करना है हमें, एक तरह से तुम समझ लो बिल्कुल साफ करने वाला एरिया, फिर हम लोग को बनाना है भाई। देखो यहाँ पे सीड भी मिल रही है हम लोग को बहुत सारी, तो मुझे वैसे ही सारे सामान की जरूरत है यहाँ पे। देखो बस टैप 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 टैप, नहीं 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 भाई 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 भाई, मेरे टॉर्चेस नहीं जाने चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए, एंड पूरा का पूरा एरिया क्लियर हो गया, एंड अभी रात भी होने वाली है, तो लेट्स गो गाइस, एक छोटा सा सनसेट देख लेते हैं अभी, एंड बेचने के यहाँ पे एरिया तो है नहीं इसलिए हम लोग खड़े होकर देख लेते हैं, एंड यहाँ से भी अच्छा व्यू आ जाता है वैसे हम लोग अपने घर को बिल्कुल, वाओ गाइस क्या ही दिख रहा है। एंड अगर तुम्हें भी अच्छा दिख रहा है तो भाई जल्दी से लाइक कर दो, चलते सोने के लिए, एंड जो भी करना है करेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग। सो बूम, गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनल नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, एंड मुझे अपनी चेस्ट को भाई मतलब अपने सामान सारे को भी पहले तो कहीं पर सेट करके आना पड़ेगा, इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दो, एंड ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा भाई तुम लोग का, बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे, एंड मैं पहले सब कुछ सेट करके आ जाऊँ एक बार। तो मुझे जो जो सामान भाई अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए चाहिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लूँगा, एंड जो मुझे नहीं चाहिए अभी तो मैं वो तो बाद में साइड में रख देता हूँ, जैसे कि मुझे स्ट्रिंग्स की ज़रूरत नहीं है, टूफ की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, एंड ये सब ये क्या है भाई की ज़रूरत, इसकी कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है अभी, ये भी चाहिए भाई अभी थोड़ा सा डर्ट रख लेते हैं, एक और चेस्ट ही बना लेता हूँ ना भाई लगे हाथ, वही सही होगा भाई, एक और नई चेस्ट बना लेते हैं, एंड चेस्ट बनने के लिए हम लोग को चाहिए पहले तो प्लैंक्स, और उस प्लैंक्स हम लोग बनानी है दो चेस्ट, चेस्ट चेस्ट यस गाइस चेस्ट बन गई। अब हम लोग को यहाँ पे दो चेस्ट को इस साइड में कुछ ऐसे प्लेस कर देते हैं, एंड यहाँ पे सारा सामान अपना रख लेते हैं गाइस, ये गया डायमंड, ये गया ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, और डर्ट भी रख लेते हैं अभी के लिए, एंड टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को बाद में, अभी नहीं चाहिए, रेड स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी, ये भाई फेंकना पड़ेगा बहुत सारा सामान फालतू का अभी पड़ा हुआ है, एंड ओके गाइज अपना काम हो गया, बस अभी 64 रख लेते हैं, एंड ये तीन यहाँ पे हटा दो, ये सब हटा दो, ये रहन दो, पॉक चॉप रख लेते हैं अपने पास, एंड ये रख लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये टॉर्च रख लेते हैं अभी के लिए, नहीं टॉर्च की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसे और इसे रख सकते हैं आराम से, एंड हम लोग को डर्ट की बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग डर्ट भी अभी से ही रख लेते हैं, लेट्स गो। ओके सब सेट हो गया, एंड पहले इसे उठा लेते हैं, एंड थोड़ा सा अपना जो एरिया है ना भाई वो संभाल लेते हैं पहले। तो बूम गाइस फाइनली बहुत सारा एरिया अपना हो चुका है क्लियर, एंड अगर यहाँ से भी बाउंड्री जाए तो हम लोग को एक लाइन बस एक एरिया छोड़ के हम लोग को इसे बनाना है, तो ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा यहाँ से, तो हम लोग पहले इसका फ्रेम नहीं बनाते, पहले हम लोग इसका यहाँ से बनाते हैं, ऐसे लेते चलेंगे तो
तो हम लोग को वैसे 7x7 लेना है, क्योंकि भाई जो वाटर का फ्लो है भाई वो तो 7 आता है। एंड मैं लेके इसलिए आया था भाई, मैं भूल गया उसके लिए, एक सेकंड, आई एम सॉरी गाइस, मैं भूल गया, मुझे एक फर्नेस बनाना था और कोल तो अपने पास ऐसे ही पड़ा हुआ है, एक नहीं दो बना लेते हैं, एक से हो जाएगा क्या? नहीं भाई दो बना लेते हैं, क्योंकि भाई अपने पास इतना तो है कि हम लोग रख सकते हैं। एक फर्नेस यहाँ पे, एक फर्नेस यहाँ पे भाई, लुक ऑब्वियसली गाइस लुक तो चाहिए। एंड यहाँ पे हम लोग डाल देंगे अपना सारा का सारा आयरन जो भी मैं लेके आया था वो, एंड बूम, आयरन कहाँ है यार, कहाँ रख दिया भाई, इतना सारा आयरन था, 22 आयरन था मेरे पास, कहाँ रख दिया भाई, 22 आयरन था भाई साहब मेरे पास अभी अभी, 15 नहीं भाई, मैंने स्मेल्ट नहीं किया मुझे इतना याद है। तो इसमें पहले यहाँ पे से डाल देता हूँ, एक सेकंड, इसमें शायद घर में रख के आ गया हूँ गलती से, अब चलते हैं घर, वहाँ से लेके आते हैं ये, बूम 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 बूम, मुझे 22 आयरन एंड कोई और है, गोल्ड पड़ा हुआ है, मुझे गोल्ड की भी ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो, चलते हैं भाई बाहर फिर से। एंड अपना पूरा सारा सामान यहाँ पे कितना डालूँ, यहाँ पे 12, वहाँ पे वो आधा आधा जाएगा भाई, 11 वहाँ पे, 11 इधर, और अब बनाने में थोड़े से हॉपर्स, तो हॉपर्स के लिए हम लोग को चाहिए गाइस, हॉपर बनता है ना ये, क्या है, नहीं नहीं भाई हॉपर चाहिए मुझे, एक सेकेंड, हॉपर कैसे बनता है भाई, रेसिपी मुझे याद नहीं है गाइस, हॉपर कैसे बनता है, एक सेकेंड, हॉपर के लिए क्या क्या चाहिए भाई, एक चेस्ट चाहिए, ओके गाइस अभी चेस्ट बना लेते हैं भाई, बहुत सारा वैसे पड़ा हुआ है अपने पास वुड, वुड की कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, वुड में अंधा हो चुका हूँ तो मिला, ओके गाइस बहुत सारा बना लिया मैंने, अभी हम लोग को बस बनाना है हॉपर, जिसके लिए मेरे पास 3 हॉपर बन रहे, एक सेकंड कैसे, तो 3 हॉपर बन गए गाइस, और अभी हम लोग को थोड़े से और हॉपर्स की ज़रूरत है, तो हम लोग यहाँ से पहले आयरन उठा लेते हैं, वहाँ से भी पड़ा हुआ आयरन सारा उठा लेते हैं पहले अपना, 9 यहाँ पे भी हो गया वैसे, 18 आ गया अपने पास, और अभी हम लोग इसमें और कितने हॉपर्स बनाने हैं, अभी भी 3 बन रहे हैं बस, ठीक है बन जाए भाई, 6 हो गए, अभी मेरे को बस एक और हॉपर की ज़रूरत है, चलिए यहाँ से हो गया 4 एंड यहाँ पे हो जाएंगे 5-6 एंड गाइस 6, अब हॉपर बन रहे हैं ना भाई पूरे 7 हॉपर गाइस हमने बना लिए हैं, एंड ये एक्स्ट्रा स्मेल्ट ना हो जाए वरना सबिरा ख़त्म। अबे कलेक्टिंग एरिया तो अभी हम लोग, मुझे पहले बनाना है नहीं, मुझे बनाना है पहले बेस, जिसके बाद हम लोग बनाएंगे कलेक्टिंग एरिया, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो गाइस यहाँ से फिर इसे थोड़ा सा एक्सटेंड भी करना है, तो हम लोग ऐसे लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी 8 नहीं जाना था भाई हम लोग को, पहले तो हम लोग को यही लाना था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो बस एक और ब्लॉक कटेगा वहाँ से, फिर हम लोग को इसे और थोड़ा सा पीछे की ओर लेके चलता हूँ, पर उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि ये वाला वाटर से जो फ्लो तो कर रहा है ना, क्या बना दिया भाई मैंने, गलत बना दिया है, आई एम सॉरी। एंड अभी इसको हम लोग कहाँ लेके जाएं, पीछे लेके चले फिर से, पर उससे पहले हम लोग इस साइड से भी ले लेते हैं लगे हाथ, और 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी ब्लॉक से उठना चाहिए ना कि इस ब्लॉक से, तो हम लोग को इस ब्लॉक पे गलत कर दिया मैंने थोड़ा। एंड भाई डर्ट तोड़ते तोड़ते तो भाई मेरी पिकेक्स की भी हालत ख़राब हो गई थी, एंड अभी से हम लोग को पीछे लेके चलना है लगे हाथ ऐसे ही, 1, 2, तो ऐसे हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1 सेकेंड 6, 7 बूम, कहाँ गिर गया भाई मैं, ओके गाइस बहुत सारे आपने कंप्लीट कर लिया है, अब बस हम लोग को ये सब सही सही से क्लियरली भरना है, जिसके बाद हम लोग बिल्कुल रेडी होने वाले हैं एकदम एक नए ही मतलब क्रॉप फार्म के लिए, जिसका भाई इधर कोई प्रॉब्लम हो गया यार, क्यों होता है ऐसा प्रॉब्लम, ओके हो गया गाइस सेटअप, बूम, ओके
अभी नहीं हो रहा भाई ये सब। मैं एक तो बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं हो रहा मेरे से, जैसे भी हो रहा है गाइस हो रहा है। ओके गाइस बूम 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 रा बूम 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 रा। अब हम लोग को ऊपर से थोड़ा सा पानी ऐसे ये करके देख रहे हैं गाइस कि ये सही से हो रहा है या नहीं, वरना हम लोग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा भाई अपना मेथड एंड फिर से सही से करना पड़ेगा। बट मुझे लग रहा है भाई हो जाना चाहिए इतने में। कहाँ भाई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आता है तुम्हारे भाई के कंस्ट्रक्शन में भाई, जब प्लान होते हैं ना भाई। एक पे तो टिक लग चुका है, ये हम लोग को जो मेन मेन टूल्स बनाने थे उन पे तो टिक लग चुका है, जैसे क्या हो गया भाई स्वर्ड हो गया एंड अपना पिकैक्स हो गया, इस उन सब के लिए मैंने तो टिक लगा ही दिया है वैसे। एंड अब बस ऊपर ना हम लोग को थोड़े से ट्रैप डोर्स लगाने हैं, और उसके लिए मुझे 8th ब्लॉक चाहिए। एक काम करते हैं हम लोग पहले थोड़े से यहाँ से ब्लॉक्स निकालते हैं, ब्लॉक्स नहीं मतलब ट्रैप डोर बनाने के लिए हम लोग को बेसिकली प्लैंक्स चाहिए, तो हम लोग प्लैंक्स निकालते हैं। प्लैंक्स एक सेकेंड मेरे पास नहीं पड़े क्या वैसे, अभी तो थे मैं देखा हाँ पड़ा है भाई, एक पड़ा है मेरे पास। तो हम लोग पीछे से बस जो ये वाला पेड़ है ना भाई इसे भी लगे हाथ काट देते हैं, क्योंकि बाद में पेड़ लगा दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं भाई। जब अपना किंगडम खड़ा हो जाए ऑटोमेटिकली पेड़ लगाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे भाई पेड़, बिना पेड़ के हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले सकते, और हम लोग इन्हें काटने चलेगा इस। ओके क्योंकि भाई ये तो पहले तो भाई अपना फार्म थोड़ा सा लुक में ख़राब होने वाला था, बस उसे सही करने के लिए मैंने पेड़ काटा है, अदरवाइज नहीं काटता मैं। अभी यहाँ से जाएगा पानी, तो मैं थोड़े पानी के लिए भी पहले एरिया सेट कर दूँ। एंड हाँ एंड बूम रेडी गाइस, ये हो गया रेडी। एंड कितना भाई बेजुबान जानवर को मार मार के खाना पड़ेगा, हम लोग अपना ही फार्म बना लेते मैंने सोचा। इधर नीचे भी थोड़ा सा डिक डाउन करना पड़ेगा, वो सब बाद में करेंगे, अभी लुक वाइज इतना ज़्यादा नहीं दिखते बस फार्म बनाने में। तो गाइस ओके अभी तक हमने इतना सारा एरिया तो फिल कर दिया है अभी, अब बस हम लोग को थोड़ा सा और भरना है वैसे। पर उससे पहले हम लोग एक और टेस्ट करने वाला हूँ कि भाई ये काम करेगा या नहीं। सर मुझे एक बार एक सेकेंड मुझे एक बार अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेने दो, पास बहुत सारा पानी तो है बट हम लोग को बाद में ज़रूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहता भाई बाद में कहीं पे हम लोग को हज़ार बार भागना पड़े भाई ये ला दो वो ला दो। 4x4 का एक गड्ढा करते हैं एंड जल्दी से हमें पानी भर देते हैं थोड़ा सा, और अभी नीचे चलते हैं अभी ले आते हैं पानी। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई गाइस, अगर तुम्हें बोर लग रहा हो तुम क्या कर सकते हो, कुछ नहीं भाई तुम वीडियो देख लो। आज चलते हैं अब ऊपर, मेरे को बोर्ड जैसा कुछ दिखा था भाई, अगर तुम्हें भी दिखा। एक सेकंड में पूरी तरह से पानी के अंदर नहीं जाना चाहता भाई, जल्दी से चलना है एंड ऊपर का सारा काम कंप्लीट करना है भाई। ओके गाइस बूम हो गया अपना काम, एंड पहले तो भाई इन सब में भी डालना है पानी, और उससे पहले हम लोग को यहाँ पे डालना पड़ेगा। अबे ये तो गया भाई, ये ना काम कर रहा भाई साहब यहाँ पे, नहीं गाइस ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा भाई, इसका काम है हम थोड़ा सा बात करना पड़ेगा वैसे। हाँ यहाँ पे पानी अगर रुक रहा है तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा कलेक्टिंग एरिया भी बना देते हैं, जिससे हम लोग अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ताकि मुझे भी याद रहे भाई कुछ अगली वीडियो में बनाना था। उसके बाद हम लोग को एक यहाँ पे चेस्ट लगानी है, मेन तो यहाँ पे होने वाली है चेस्ट। चेस्ट है या नहीं है भाई, एक भी चेस्ट नहीं है मेरे पास, इतनी सारी चेस्ट बना ली भाई फिर भी एक चेस्ट नहीं रही। थोड़ी सी यहाँ पे और बना लेते हैं क्या हो जाएगा, अभी के लिए एक सिंगल लगा देते हैं चेस्ट, बाद में डबल चेस्ट लगा देंगे उसमें, अभी कोई नहीं एक यहाँ पे लगा देते हैं। एंड अभी चलते हैं ऊपर, बूम इसी सेम तरीके से हम लोग को इसके साथ एकदम टच करके लगाना है कलेक्टिंग एरिया, और अब बजे और 3 को लगाने के लिए हम लोग को कुछ इस तरह से
इस तरह से लगाना पड़ेंगे। ओके बूम। एंड आज तो भाई रात भी होने वाले, मैं सोच रहा हूँ भाई तुमको ज़्यादा बोर ना किया जाए। अगली वीडियो तो अगर शेड्यूल्ड भी कर दूँगा तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आई थिंक सो। सो होप गाइस तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी। एंड एक सेकंड हमने तो मेन काम ही नहीं किया भाई, मैं डायमंड किस लेके आया था भाई साहब, दिखाने के लिए ना भाई? नहीं, इसलिए नहीं लाया था मैं, ताकि हम लोग अपनी पहले तो भाई एक डायमंड की पिकैक्स बना लेते हैं मस्त वाली, एंड एक हेलमेट बना लेते हैं दूसरे वाले से। सॉरी, तुम लोग को लग रहा होगा फ्लैक्स कर रहा हूँ, नहीं भाई। तो ख़त्म। एंड एक और अभी बूट बना सकते हैं हम लोग, बूट बना लेते हैं उसे। बूट भी बना लिया मैंने, अब इसे पहन भी लेता हूँ वैसे तुम लोग को दिखाने के लिए। एंड गाइज, हियर इज आवर कैरेक्टर गाइज विथ डायमंड पिकैक्स एक्स, सॉरी पिकैक्स एंड स्वर्ड। तो गाइज होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर तुम्हें आज की वीडियो अच्छी तो लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं तुम्हें अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री डायमंड। भूलना मत गाइज, हमने आधा काम यहीं से शुरू कर लिया है, जल्दी हम लोग को बीट भी करना है इंडियन ड्रैगन को। तब तक तुम लोग 200 सब्सक्राइबर्स जल्दी से कंप्लीट करवा दो। मिलता हूँ मैं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री डायमंड।